देखिए, जल हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे विचारों पर असर डालता है। कुंडली के जो 12 खाने होते हैं वो 4 तत्वों में बटे होते हैं। जो आकाश तत्व होता है वो पूरे 12 भागों में छाया रहता है। तो कुंडली में जल तत्व का विशेष इलाका है जो जल के बारे में बताता है। कौन से ग्रह जल तत्व से संबंध रखते हैं? जल तत्व मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र से संबंध रखता है। कुछ मात्रा में इसका संबंध मंगल से भी होता है, लेकिन बहुत नॉमिनल। जल का सही प्रयोग करके चंद्रमा और शुक्र को मजबूत किया जा सकता है। चंद्रमा मजबूत मतलब मन मजबूत, मन की समस्याएं दूर। शुक्र मजबूत मतलब खुशियां मजबूत, हार्मनी मजबूत, हैप्पीनेस मजबूत। तो जल का सही प्रयोग करके चंद्रमा और शुक्र को मजबूत किया जा सकता है। अगर जल का सही प्रयोग ना किया जाए, जल की बर्बादी की जाए, आप मानसिक रूप से परेशानी में आ जाएंगे और जीवन की खुशियां नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र दोनों खराब हो जाएंगे। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि जो आपके जीवन की आदतें होती हैं वो आपके कुंडली के ग्रहों पर असर डालती हैं, या कुंडली के ग्रह आपकी आदतों को प्रभावित करते हैं, वाइस वर्सा है। जब आप जल की बर्बादी करते हैं, जल का संरक्षण संवर्धन नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका चंद्रमा और शुक्र निगेटिव हो जाता है। आपको मानसिक रूप से बेवजह की चिंताओं का सामना करना पड़ेगा, पैसों की बचत नहीं होगी और जीवन में खुशियों का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए देखिए, जल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सामान्य दृष्टिकोण से भी जल बचाना चाहिए और ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी जल बचाना जरूरी है। आप चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं, अपने मन की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, जल का प्रयोग कैसे करेंगे? घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए और नियमित रूप से उनमें जल डालिए, उनकी देखभाल करिए। बरसात का पानी, जब वर्षा हो तो आप बरसात का साफ पानी इकट्ठा कर लीजिए, एक कांच के बोतल में भर करके अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में रखिए। चांदी के गिलास से अगर आप नियमित रूप से पानी पीते हैं तो इससे भी चंद्रमा काफी मजबूत होता है। चंद्रमा की मजबूती के लिए स्नान करते समय पहले नाभि पर जल डालकर नहाइए और इसके बाद नहाना शुरू करिए। चंद्रमा को मजबूत करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप पौधों में, वृक्षों में जल डालें और साथ ही साथ आप नियमित रूप से चांदी के गिलास से पानी पीने का अभ्यास करें, आपका चंद्रमा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा को कैसे मजबूत करेंगे वो बता दिया। शुक्र भी जल तत्व से संबंध रखता है, तो शुक्र को मजबूत करने के लिए जल का प्रयोग कैसे करेंगे? जहां तक हो सके दोनों वेला, दोनों समय स्नान करिए। सर्दियां हैं तो एक समय करिए, लेकिन स्नान रोज करिए। नियमित रूप से सुगंधित जल से नहाइए। नहाने के पानी में गुलाब जल या अब बहुत सारी खुशबुएं आ गई हैं, उनको डाल करके नहाइए। कांच के गिलास से जल पीजिए। कांच के गिलास से जल पिएंगे तो शुक्र बेहतर होगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है, निगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो पानी के बर्तन कभी भी किसी को भी उपहार में मत दीजिए। शुक्र को बेहतर करना चाहते हैं तो सुगंधित जल से स्नान करना बहुत अच्छा होगा और कांच के गिलास से या कांच के पात्र से अगर आप पानी पीते हैं
तो उससे भी आपको लाभ होगा। जल को सामने रख करके आप विशेष मंत्र का जब बोल बोल कर जप करते हैं तो जल उस विशेष मंत्र की तरंगों को ग्रहण कर लेता है और अभिमंत्रित हो जाता है। जैसे मान लिया कि घर को शुद्ध करना है तो गायत्री मंत्र बोलिए, जल को सामने रख के गायत्री मंत्र से जल अभिमंत्रित हो जाएगा। कोई बीमार है तो सामने जल को रख करके महामृत्युंजय मंत्र या लघु मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण बोल बोल कर करिए, जल अभिमंत्रित हो जाएगा और ये जल रोगी को पिलाइए, आपको लाभ होगा। यानी जल को अभिमंत्रित करके आप विशेष तरह के फायदे उठा सकते हैं विशेष मंत्रों का प्रयोग करके। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।